हेलो एवरीवन, आई एम डैम श्योर आपने आज तक बहुत सारे टेंपल विजिट किए होंगे, पर क्या आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल कहाँ स्थित है? आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल। बट इंटरेस्टिंगली ये टेंपल इंडिया में नहीं, ये टेंपल है सेम रिप कम्बोडिया। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मंदिर को अंकोरवाट मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट अद्भुत है, जिसकी वजह से यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया हुआ है। 402 एकड़ में फैला यह मंदिर कंबोडिया के अंकोर में है। प्राचीन समय में इस मंदिर का नाम यशोधरपुर था। जब मैंने अपनी ये ट्रिप स्टार्ट की तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कंबोडिया में जरूर आऊंगा और इस मंदिर को जरूर विजिट करूंगा। अपने इतिहास को और अच्छे से जानने की चाह थी मेरे अंदर। आपने अभी तक की सीरीज में देखा कैसे मैंने वियतनाम ट्रैवल किया एंड वियतनाम से मैं कैसे कंबोडिया आया। 3 हफ्ते कंबोडिया में बिताने के बाद मैं पहुंच गया सेम रिप, और आज मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो जितने लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ आई एम ऑन माय वे टू विजिट सेकंड टेंपल, फनोम बेकोंग टेंपल, जो कि अंकोरवाट से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर दूर है। सो नाउ आई एम ऑन माई वे फॉर सेकेंड टेम्पल, जिसका नाम है फनोम बेकोंग टेम्पल, और ये 600 मीटर दूर होगा अंकोरवाट से और थोड़ा सा अप पर ये सिचुएटेड है, तो आपको इस ट्रेल को फॉलो करना होगा। सो ये आप पर है कि आप कैसे आ रहे हैं। आप स्कूटी से आ रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप बाइसाइकिल से आ रहे हैं तो भी सही है। स्कूटी से आएंगे तो आप चीज़ें थोड़ी सी जल्दी कर पाएंगे, बाइसाइकिल से आएंगे तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और टेंपल पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा। बहुत जल्दी मत करिएगा वरना आप बहुत सी चीज़ें मिस कर जाएंगे और टेंपल समझ नहीं पाएंगे। सो ये ट्रेल है और इधर फॉरेस्ट है, तो ग्रीनरी तो बहुत है, बट कंबोडिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इस समय। मैं सोचा था कि टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा तो नवंबर में, बट ऐसा नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो जो जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है फनोम बेकोंग टेंपल, और ये अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर में नहीं है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। सो अभी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और कुछ अभी हो रहा है। सो आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें किस तरह से हैं, एंड अभी मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा, बट यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। सो आप मेरे जो जस्ट पीछे देख रहे हैं, ये है फनोम बेकोंग टेंपल, और ये जो टेंपल है ये अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर में नहीं है, काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट स्टिल अभी भी बहुत सारा वर्क यहाँ पर चल रहा है। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, अभी मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा, वहाँ पर है लॉर्ड बुद्धा का फुटप्रिंट, एंड वो जो फुटप्रिंट है ये बताया जाता है कि 1560 सेंचुरी में लॉर्ड बुद्धा यहाँ पर आए थे, और ये वही सेंचुरी है जब लॉर्ड बुद्धा के टेम्पल्स कंबोडिया में बनना शुरू हुए थे, क्योंकि उस समय पर जो हिंदू टेम्पल्स थे, जो हिंदू किंग थे, वो डिक्लाइनिंग फेज़ में थे, और पूरी तरह से जो एम्पायर था वो उनका डिक्लाइनिंग फेज़ में जा चुका था। और ये जो टेंपल है ना, इस फुटप्रिंट से 600 साल पुराना ये टेंपल है, तो आप सोच सकते हैं कितना पुराना है। और यहाँ से आप वो देख सकते हैं अंकोरवाट दिख रहा है, सो अंकोरवाट से ये सीधा रोड आप लेकर आएंगे, एंड देन आप एक स्मॉल सा स्टॉप है, और आई गेस बहुत से लोग यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि ये इसे मिस कर जा रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहला टेंपल यही पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको वॉक करना पड़ेगा, बट ये बहुत खूबसूरत ट्रेल भी है और बहुत खूबसूरत ये टेंपल भी है। मुझे तो इस तरह के टेंपल्स बहुत पसंद है, और ये आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कितना पुराना है और अमेजिंग। मतलब मैं कभी कभी अपने से सवाल करता हूँ कि हम क्या डेवलप हैं, क्योंकि आज के जो आर्किटेक्चर हैं उस समय के आर्किटेक्चर में बहुत अंतर है। ये सारे जो आर्किटेक्चर हैं ये कोई 10th सेंचुरी में बना, कोई 8th सेंचुरी में बना, सिर्फ कंबोडिया में ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड जो जितने भी ओल्डेस्ट इस आर्किटेक्चर हैं वो बहुत खूबसूरत है एज कम्पेयर टू न्यू वन। सो मुझे तो ये जगह बहुत प्यारी लगी। सो अब मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे और भी टेम्पल विज़िट करने हैं। सो मैं जा रहा हूँ।
सो गाइस अभी मैं हूँ टोनले ओम गेट पे और इसी गेट से एंटर करके मैं कंप्लीट अपना जो सर्कल है वो कंप्लीट करूँगा। और यहाँ से एंट्री करते ही सबसे पहला जो टेंपल पड़ेगा वो पड़ेगा बेयोन टेंपल और उसके बाद पड़ेगा प्रेहखान टेंपल। तो वो सारे टेंपल्स मैं घुमाते हुए और इस वे से आपको एक कंप्लीट सर्कल में एंड करूँगा अपना डे ट्रिप। सो चलते हैं इसके अंदर एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं स्माइलिंग बुद्धा है ये। सो अभी मैं हूँ बेयोन टेंपल में और मैं आपको कार्विंग दिखाने जा रहा हूँ बेयोन टेंपल की। ये जो आप देख रहे हैं ये वॉर दिखाया जा रहा है, जयवर्मन 7 और उनकी आर्मी वॉर पे जा रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। सो ये वॉर है खमेर और चाइनीज़ के बीच में। एंड देन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो जो कार्विंग वहाँ दिखेगी उसमें दिखाया गया है वॉर जीत कर जो खमेर वापस जा रही है तो खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। और ये पूरा जो बेयोन टेंपल है ये पूरा जंगलों के बीच पे था, तो जब फ्रेंच कॉलोनिस्ट यहाँ पर आई तो उसने इसे ढूंढा। सो इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक और वाइट के मार्बल्स वो इसी वजह से हैं। ये देखिए तो इसमें आप देख सकते हैं हाथी पर हैं, घोड़ों पर हैं, डांस कर रहे हैं।